सो फाइनली गाइज, अर्जेंटीना के साथ लियोनेल मेसी ने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है और फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लियोनेल मेसी एट अ क्लब लेवल गाइज, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट हमें पता ही है कि जून 2023 में खत्म होने जा रहा है पीएसजी के साथ, और काफ़ी ज़्यादा क्लब इंटरेस्टेड भी है, एंड क्या वो जनवरी में भी लीव कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही है, लेकिन सबसे पहले उसमें एक बात क्लियर कर देते कि उसने ये खुद बता दिया है कि ही इज़ नॉट रिटायरिंग फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। तो वो अभी भी इंटरनेशनल फुटबॉल से तो लीव नहीं कर रहा है और आगे भी अर्जेंटीना के साथ खेलना कंटिन्यू करेगा। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लियोनेल मेसी इन क्लब लेवल, तो उसमें बात करें तो जनवरी में भी उसके किसी भी क्लब के साथ साइन करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इट्स नॉट लुकिंग रियलिटी ऑप्शन। उसके अलावा अगर आप देखें तो जो क्लब इंटरेस्टेड है उसमें एक है पीएसजी, क्योंकि पीएसजी में वो ऑलरेडी है और उसके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर आ रही है। उसके अलावा दूसरा क्लब है इंटर मियामी फ्रॉम MLS अमेरिका, एंड तीसरा क्लब है ऑब्वियसली हिज फॉर्मर क्लब FC बार्सिलोना। तो ये तीन क्लब के साथ ज़्यादा रूमर्स आ रही है, तो वन बाय वन देखते हैं कि किसके कितने ज़्यादा चांसेस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो PSG की, तो PSG ने अपना ऑफिशियल बिड रेडी कर दिया है और ही दे आर रेडी टू गिव दैट प्रपोजल टू लियोनेल मेसी एंड हिज टीम। और सिमिलर सा ही कॉन्ट्रैक्ट है जो उसने प्रीवियसली साइन किया हुआ है, उसमें जो सिमिलर से बोनसेस या फिर सैलरी है वही सेम सैलरी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया गया है, लेकिन बोनस में थोड़े से एड ऑन किए गए और बिड यहाँ पे रेडी है। जैसे ही लियोनेल मेसी वापस PSG में आते हैं आफ्टर हिज सेलिब्रेशन विद हिज फैमिली एंड अर्जेंटीना टीम, देन ही विल डिसाइड कि मतलब ऑफिशियल नेगोशिएशन उसके बाद स्टार्ट होगी विथ PSG। और इसमें 1+1 का ऑप्शन दिया है PSG ने कि आप 2024 तक रहिए, और उसके बाद एक एड ऑन ऑप्शन दिया है, और उसमें ये भी चेंज कर सकते हो कि सिर्फ एक साल का भी रख सकते हैं। तो ये ऑफिशियल बिड है फ्रॉम PSG साइड, एंड दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंस बिकॉज उसके जो ओनर्स है कतारी ग्रुप्स, उसने भी और नासिर अल खलीफे ने भी बोला है वर्ल्ड कप के दौरान कि लियोनेल मेसी इज़ वेरी हैप्पी एट PSG, सारा फैमिली भी सेटल हो चुका है, और इट्स लुकिंग अ रियलिटी ऑप्शन फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक PSG इज द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू रिटेन द मेसी एट द PSG, तो ये एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा इंटर मियामी के साथ कॉन्टेक्ट जरूर हुए थे, लेकिन वो 2 साल पहले हुए थे, उसके बाद कोई ऐसा बोल सकते हैं कि ऑफिशियल कॉन्टेक्ट नहीं हुए, या फिर ऑफिशियल कोई इंटर मियामी ने वहाँ पे बीड कोई प्रपोज की है कि नहीं है लियोनेल मेसी को। तो वहाँ पे एक ऑप्शन डेफिनेटली इंटर मियामी चाहता है कि 2023 में वो लियोनेल मेसी को MLS लेके आए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इट्स लुकिंग रियलिटी नाउ, बिकॉज आई थिंक अभी भी लियोनेल मेसी 2-3 साल ईजिली टॉप फुटबॉल, जो मतलब यूरोपियन फुटबॉल में हम पता है कि बड़े क्लब्स के साथ वो कंटिन्यू कर सकता है, और उसके बाद वो शायद सोच सकता है MLS का। लेकिन करंटली इट्स लुकिंग रियली रियली स्लाइटली चांस कि वो मतलब इंटर मियामी को साइन करें। और तीसरा ऑप्शन है FC बार्सिलोना, क्योंकि इट्स अ फेरी टेल जो सब कुछ सबको ही चाहता है, मतलब एक फुटबॉल फैंस का रहता ही है कि FC बार्सिलोना के साथ मेसी का अपना जो करियर है वो ख़त्म हो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन काफ़ी ये भी काफ़ी ब्लिंक लग रहा है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल फेयर प्ले का बड़ा इशू आ रहा है, क्योंकि बार्सा की आप करंटली जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अगर देखें तो इट्स नॉट लुकिंग रियली गुड, और काफ़ी ज़्यादा सैलरी लिमिट्स के भी सारे इशू है। जोन लापोर्टा ऑब्वियसली चाहता है कि मेसी को एक फेयरवेल दे, जो ग्रांड फेयरवेल वो डिजर्व करता है एट FC बार्सिलोना, और इसमें मेसी का भी इसे होगा आई थिंक कि मेसी किस तरह से सोच रहा है कि क्या उसका करियर वो अभी FC बार्सिलोना में देख रहा है या फिर कंटिन्यू PSG के साथ कर रहा है। तो FC बार्सिलोना डेफिनेटली लियोनेल मेसी को साइन करना चाहती है, लेकिन जो बड़ा इश्यू है वो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ FC बार्सिलोना, तो वो भी काफ़ी मेरे को अभी मतलब पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो करंटली तो रियल ऑप्शन इज PSG, जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हैं कि चांसेस है कि साइन कर सकते हैं लियोनेल मेसी को, और यू कैन से एक्सटेंड कर सकते हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें गाइज एक ऐसी भी बात है कि हमें सबको पता है कि जब लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना छोड़ा था तब भी यही स्ट्रॉन्ग रूमर थे और यही रियलिटी थी कि वो बार्सा के साथ कंटिन्यू करने जा रहा था, लेकिन एंड मोमेंट में जो सिचुएशन वहाँ पे राइज हुई तो वहाँ पे सब कुछ चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी चांसेस है कि मान लीजिए कि FC बार्सिलोना के साथ और FC बार्सिलोना से जावी या फिर उन किसी से कॉन्टैक्ट होके बात होके या फिर कन्विंस कर पाए वो मेसी को, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, फिर आपको कुछ भी चेंज हो सकता है। और हमें पता है फुटबॉल ट्रांसफर वर्क कैसे करते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, लेकिन करंटली द ऑप्शन इज PSG। और आई थिंक मेसी भी और मेसी का कैम्प्स फैमिली और उसके जो एजेंट्स है वो भी और उसके फादर
तो उन सब का भी डिस्कशन आई थिंक अभी ये जनवरी फरवरी मार्च, आई थिंक मार्च एंडिंग तक हमें लियोनेल मेसी का फ्यूचर पता चल जाएगा कि व्हाट ही थिंक्स अबाउट एंड वेर वेर ही वांट टू प्ले फॉर नेक्स्ट इयर्स। तो आई थिंक ये 3 महीने में आई थिंक वो सभी क्लबों के साथ जो इंटरेस्टेड हो गए आई थिंक उसके साथ बात करके फिर उसका जो इंटेंशन है व्हाट दे प्रपोज व्हाट लियोनेल मेसी वॉन्ट्स ये सब के बारे में जान के आई थिंक हमें फाइनल आंसर मेरे को लगता है कि मार्च एंड तक मिल जाएगा कि आइदर वी ही शुड एक्सटेंडिंग विद पीएसजी और गोइंग टू एमएलएस और गोइंग टू एफसी बार्सिलोना। आई पर्सनली वांट एफसी बार्सिलोना बिकॉज इट्स अ फेरी टेल एंड वी ऑलवेज लव टू सी दैट एंड आई एम ऑल्सो एफसी बार्सिलोना फैन। तो आई वॉन्ट लियोनेल मेसी एट एफसी बार्सिलोना फॉर 1 or 2 सीजन लेकिन करंटली द सिचुएशन इज रियली रियली ब्लिंक फॉर दैट रियलिटी टू हैपन। तो दैट्स अबाउट लियोनेल मेसी। लेट मी नो गाइज वेयर शुड ही गो इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।